श्रीनगर से उतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, ऐसा मान लो आप करीबन 25 किलोमीटर के आसपास ही आपका ये जो सफ़र है एंड हो जाता है। यहाँ से ऐसे कीचड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश भयंकर हो रही है अभी, और हम जाएंगे यहाँ साइड से कोई व्यू पॉइंट है वहाँ की ओर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आपके आप सब सही से इस्लाम खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हम अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दो, और अगर सब्सक्राइब कर भी दिया है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। एक और राइडर हमारे से जुड़ चुका है, जावेद भाई, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा, उनका यूट्यूब चैनल भी बता दूंगा और जावेद भाई से मिला भी दूंगा। बस हम यहाँ से सीधे चलेंगे फरहान भाई के यहाँ करनगर की ओर। तो आज संडे है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बट क्या ही करें, संडे राइड हमने डिसाइड की थी, हमें संडे राइड करनी है। बहुत टाइम के बाद हम जा रहे हैं आज राइड पे, एटलीस्ट 5-6 दिन के बाद हम आज राइड पे जा रहे हैं। फिलहाल मैं लेट हो चुका हूँ, फरहान भाई मेरा वेट कर रहा था अब तक, अब पता नहीं कहाँ पर है बंदा। ये भाई लोग मेरा ही वेट कर रहे हैं और मैं लेट हो चुका हूँ, अब क्या ही करो यार। बारिश जब भी होती है हालात ख़राब हो जाते हैं इसमें, बिकॉज हमारे पास अभी गियर पूरे के पूरे नहीं है। जैसे हमारे रेनकोट तो है, हमारे पास रेन गियर तो है, लेकिन राइडिंग गियर पूरे के पूरे प्रॉपर नहीं है हमारे पास। बस इंशाल्लाह लाएंगे, एक दिन ज़रूर लाएंगे। तो फाइनली हम पहुँचे यहाँ, जिसकी बाइक में बात कर रहा था ना भाई, ये रहा जावेद भाई, ये रहे, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम लिविंग इन हेवन है भाई, चेकआउट कर लो। और फरहान भाई तो हाथ में साथ में है ही। यहाँ से सीधे हम चलते हैं बाइक की ओर। बाकी हमारे बाइक यहाँ पे खड़ी है, ये जावेद भाई की बाइक है, जिनके यूट्यूब चैनल का नाम लिविंग इन हेवन है, बाकी आपको तो पता है सोलो ट्रिपर, और मेरा अपना द पैसेंजर भाई। तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे गांदरबल की ओर। यहाँ से अपनी राइड को स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर वाले का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जा रहे हैं गुटली बाग गांदरबल, वहाँ से जो पश्तू फैमिलीज़ हैं उनसे मिलेंगे, उनकी वो जगह है, वो बड़ी खूबसूरत सी जगह है, वो देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो भी होगा वो मैं आपको व्लॉग में बता ही दूंगा। बस बारिश ज़्यादा नहीं गिरनी चाहिए, इसकी वजह से हमारा मूड ख़राब हो जाता है। बाकी जावेद भाई भी हमारे साथ ही है, आज फर्स्ट टाइम है कि हम इनके साथ राइड पर जा रहे हैं। उमर भाई भी हमारे साथ में आने वाले थे, बट उनका कुछ काम पड़ गया, उसकी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है। और वह जो जावेद भाई की बाइक है ना, इनके पास क्लासिक रिबॉन है, जो कि बहुत अच्छी बाइक है। रॉयल एनफील्ड यही कहता है कि इसके हमने जो वाइब्रेशन है, जो बाकी दिक्कत थी इसमें, वो सब ख़त्म कर ली। ये देखो भाई, इसका पिछला एक हिस्सा ही टूट गया है, अभी हमने इसको बता दिया कि आपका पिछला एक हिस्सा टूट गया है, अभी रुक के ये रिपेयर करेगा या इसको खोल के अपने साथ में लेकर जाएगा। बस हेल्प करते रहो, जैसे भी आप राइड करते हो आप हेल्प करते रहो, सबके हेल्प करते रहो भाई। एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो एटलीस्ट कम हो जाए, इनका जो पट्टी थी पीछे अगर ये गिर जाती, कोई बाइक वाला आया, कोई गाड़ी वाला आता इसके ऊपर चला जाता, तो कुछ भी हो सकता था भाई। तो उसको रुकाया हमने और उसको बताया कि भाई आपका ऐसा कुछ इसका हिस्सा टूट गया, जो बम्पर वगैरह होता है वो टूट गया, इसको सही कर दो आप। इस रोड से मैं कभी आया नहीं हूँ, ये भी गांदरबल है आपका, हम वहाँ से जाते थे जब भी हम जाते थे गांदरबल में किसी भी खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर करने, बट आज जो है आज हमें ये वाला रोड ले लिया जो कि बड़ा खूबसूरत है। ऐसे वाले माउंटेंस हैं ना आपके, जो पूरे आपके जो गांदरबल है उसके ऐसे साइड से हैं भाई, और गांदरबल बीच में है, बहुत अमेजिंग सी प्लेस है। और यहाँ से हम पहले कहीं रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बिकॉज मेरे को बहुत भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट सुबह घर से अच्छे से नहीं करके आए हम। सो भी टाइम 12 बज रहे हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो घर में हमने अच्छे से नहीं किया, हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम आगे अपनी राइड को एंजॉय करते हुए हम जाएंगे अपने सफ़र की ओर, जो हमारा गुटली बाग है वहाँ की ओर। सो ब्रेकफास्ट हमारा डन हो चुका है, अभी हम फिर से चले हैं अपने मंजिल की ओर, बिस्मिल्लाह। अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेके चलना पड़ेगा गुटली बाग की तरफ। बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, वो भयंकर वाली भाई, बारिश बहुत तेज़ हो रही है अभी। हमने सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत सी जगह होगी है गुटली बाग जो है, ऐसा वाला रोड होगा इनको, ऐसे वाले व्यूज़ होंगे भाई, हमने सोचा नहीं था। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर मैं सफ़र की बात करूँ ना भाई, श्रीनगर से उतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, ऐसा मान लो आप करीबन 25 किलोमीटर के आसपास ही आपका ये जो सफ़र है एंड हो जाता है। और यहाँ से हमें देखना पड़ेगा हमें कहाँ जाना है अभी, फिर पूछेंगे भाई।
अस्सलाम वालेकुम भाई, गुटली बाग कहाँ से? गुटली बाग सीधे, शुक्रिया। सो फाइनली अभी हम गुटली बाग पहुँच गए हैं और हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये जो माउंटेन वगैरह है ना इनको देखने के लिए, और यहाँ से भयंकर व्यूज़ वगैरह आते हैं उनको देखने के लिए सरताज अहमद हमारे साथ आएंगे आज के, हमारे एटलीस्ट हमारे ऐसा बताऊंगा मैं, गाइड है हमारे, तो हम यहाँ से जाएंगे सीधे। और बारिश अभी भयंकर हो रही है यहाँ साइड से। जो मेरे पीछे प्लेन बैठे हैं सरताज अहमद, वो कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये पठानों का एरिया है, यहाँ पे खाली पठान रहते हैं। और 1947 से पहले वो आए थे यहाँ, पाकिस्तानी मतलब जो पाकिस्तान के रहने वाले थे उस टाइम, वो आए थे यहाँ के बिज़नेस के सिलसिले में। फिर जब पार्टीशन हुआ तो वो यहीं पर रह गए, फिर यहाँ साइड से आपका ट्रैकिंग पॉइंट भी है बड़ा। आज बारिश हो रही है तो बारिश में ट्रैकिंग करना इम्पॉसिबल हो जाता है आपका, तो हम आज ट्रैकिंग नहीं करेंगे, बस जो गुटली बाग एक तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे हम। माशाल्लाह अभी यहाँ पहुँचे हो, यहाँ से आप चेक करें भाई, यहाँ से आपका व्यू वगैरह बहुत सही आता है। और हम अभी और ऊपर भी जाएंगे, बस यहाँ का थोड़ा सा व्यू लेंगे भाई, क्योंकि व्यू तो बनता है भाई, अगर यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा सा व्यू तो लेंगे ही। है चेक करें आप, बारिश में एकदम भयंकर हो जाता है। और रोड चेक करें भाई, भाई अमेजिंग सी प्लेस है, बहुत अमेजिंग सी प्लेस है। अभी हम जंगल में जो रहे हैं और रोड चेक करें भाई, रोड कैसा है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोड है, बहुत ही प्यारा रोड है यहाँ साइड से। सो फिलहाल हम ट्रैक कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा हो गया ट्रैक करते हुए, और हम जहाँ से भी चल रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ये चेक करें भाई, बारिश भयंकर हो रही है अभी। और हम जाएंगे यहाँ साइड से, कोई व्यू पॉइंट है वहाँ की ओर भाई, जगह अल्टीमेट है। और हम अभी पूरे जंगल में से चल रहे हैं, ये चेक करें आप। बट अगर बारिश नहीं हुई होती तो हम यहाँ से बाइक ले आते, अपनी जो बाइक है हमारी वो यहाँ से आराम से आ जाती, बट अब क्या ही करें, अब बारिश हो रही है तो उसे तो कुछ कर नहीं सकते, बस यहाँ से चलेंगे, देखेंगे आगे हम कहाँ पहुँचेंगे, किस व्यू पॉइंट तक पहुँचेंगे, बाकी हम वहीं पे आपसे मिलेंगे। भाई चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए हमें नहीं पता, पूरे जंगल में से चल रहे हैं। और भाई मैं बता रहा हूँ यहाँ से कीचड़ बहुत सारा है, और हमारे पास जूते लगे हैं ना, ये चेक करें अब कौन से जूते लेकर आए हम भाई साहब, यहाँ से कीचड़ बहुत ज़्यादा है। और हम यहाँ से चल रहे हैं आगे आगे आगे, कुछ व्यू पॉइंट वगैरह हैं वो भी देखेंगे हम। अभी हम पहुँचे ना जो यहाँ का व्यू पॉइंट है यहाँ की ओर, बट भाई बारिश भयंकर हो रही है यहाँ से चेक करें भाई, कितनी बारिश हो रही है ना मैं बता नहीं सकता, ये चेक करें आप, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से व्यू पॉइंट एक और है उसको भी देखेंगे। अभी हम पेड़ के नीचे है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जाए देखो देखो। और फरहान भाई यहाँ से गया है वहाँ की ओर, हम भी जाएंगे बस इस व्यू पॉइंट को मज़ा लेते हुए, फिर हम जाएंगे वहाँ की ओर। सो जिस व्यू पॉइंट की मैं बात कर रहा था ना भाई, हम अभी वहाँ पहुँचने वाले हैं भाई, बहुत अमेजिंग व्यू पॉइंट है, ये चेक करें आप भाई, कैसा अमेजिंग सा व्यू पॉइंट है भाई, माशाल्लाह ये चेक करें आप। जो रोड है ना आपका वो कंगन की तरफ जाता है भाई, ये चेक करें आप, यहाँ से कितना अच्छा कितना सही व्यू आता है आपका, ये चेक करें भाई, जगह बहुत अमेजिंग है भाई आपका, पूरा का पूरा यहाँ साइड से दिखेगा, पूरा का पूरा गांधरों में कह सकता हूँ, ये चेक करें यार भाई, हाय माशाल्लाह। जो मैं बात कर रहा था व्यू पॉइंट की भाई, यही व्यू पॉइंट है आपका, हम यहाँ पे रुक लेते हैं, बहुत अच्छा व्लॉग बनता है यहाँ पे, बहुत अच्छा कंटेंट बनता, बट क्या ही करें भाई, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि कब तक ये बारिश होगी। अब रुकने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, सुबह से बारिश हो रही है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहे, ये चेक करें आप भाई साहब, बहुत सही जगह है भाई, बहुत औसम जगह है। बस हम यहाँ से अपने घर की तरफ वापस ही जा रहे हैं, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हमें ट्रैकिंग करने जा रहा था बट वहाँ साइड से कीचड़ बहुत ज़्यादा ही था, हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे वहाँ साइड से। बाकी हमने व्यूज़ वगैरह देख लिए, जो व्यू पॉइंट 2-3 थे वहाँ साइड से वो देख लिए, बारिश ने बड़ा मूड ख़राब कर दिया, उसकी वजह से हम सीधे घर वापस जा रहे हैं। बाकी ये व्लॉग हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग में एक खूबसूरत सी जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।